ये देखिए, आप सभी ध्यान देंगे, ये आपके सामने जो जेब्रा क्रॉसिंग बनाई है, इसके साथ साथ ये येलो कलर की चिकचैक लाइनें हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप अपना व्हीकल धीरे स्लो चलाएंगे और साथ में यहाँ पे आप लेन चेंज नहीं कर सकते और पिक एंड ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप किसी सवारी को ना उतारे ना चाहेंगे। सामने जेब्रा क्रॉसिंग है, जब कोई भी पैदल यात्री यहाँ पे सड़क क्रॉस करता है, सबसे पहले आप फुटपाथ पे होंगे, उसके बाद आप राइट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे, राइट साइड जब 200 मीटर की दूरी पे वाहन आ रहा है, आपको 200 मीटर तक वाहन दिखाई देता है, तब आप राइट हैंड का सिग्नल देते हुए आप ध्यानपूर्वक सड़क क्रॉस करेंगे। जब आप बीच में पहुंचते डिवाइडर के ऊपर जो रिफ्यूज आइस लैंड है, वहां पे आपने लेफ्ट साइड देखना है, लेफ्ट साइड भी करीब 200 मीटर वाहन आता है, आपने लेफ्ट हैंड का इशारा करना है और जेब्रा क्रॉसिंग को यूज करते हुए सड़क क्रॉस करेंगे। यदि बीच में डिवाइडर नहीं है तो आप यहीं पे फुटपाथ से ही सड़क को देखेंगे, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड दोनों साइड देखेंगे और आप सड़क क्रॉस करेंगे। जो वाहन चालक है वो भी धीरे चलाएंगे, यदि कोई जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर पैदल यात्री है तो आप रोकेंगे, उसको रोड क्रॉस करने देंगे, क्योंकि सबसे पहला राइट पैदल यात्री का है। और यहाँ पे आप लेन चेंज नहीं करेंगे, स्लो चलाएंगे, सभी ट्रैफिक नियमों की पालना करें, आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद। ये देखिए, आप सभी ध्यान देंगे, ये आपके सामने जो जेब्रा क्रॉसिंग बनाई है, इसके साथ साथ ये येलो कलर की चिकचैक लाइनें हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप अपना व्हीकल धीरे स्लो चलाएंगे और साथ में यहाँ पे आप लेन चेंज नहीं कर सकते और पिक एंड ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप किसी सवारी को ना उतारे ना चाहेंगे। सामने जेब्रा क्रॉसिंग है, जब कोई भी पैदल यात्री यहाँ पे सड़क क्रॉस करता है, सबसे पहले आप फुटपाथ पे होंगे, उसके बाद आप राइट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे, राइट साइड जब 200 मीटर की दूरी पे वाहन आ रहा है, आपको 200 मीटर तक वाहन दिखाई देता है, तब आप राइट हैंड का सिग्नल देते हुए आप ध्यानपूर्वक सड़क क्रॉस करेंगे। जब आप बीच में पहुंचते डिवाइडर के ऊपर जो रिफ्यूज आइस लैंड है, वहां पे आपने लेफ्ट साइड देखना है, लेफ्ट साइड भी करीब 200 मीटर वाहन आता है, आपने लेफ्ट हैंड का इशारा करना है और जेब्रा क्रॉसिंग को यूज करते हुए सड़क क्रॉस करेंगे। यदि बीच में डिवाइडर नहीं है तो आप यहीं पे फुटपाथ से ही सड़क को देखेंगे, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड दोनों साइड देखेंगे और आप सड़क क्रॉस करेंगे। जो वाहन चालक है वो भी धीरे चलाएंगे, यदि कोई जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर पैदल यात्री है तो आप रोकेंगे, उसको रोड क्रॉस करने देंगे, क्योंकि सबसे पहला राइट पैदल यात्री का है। और यहाँ पे आप लेन चेंज नहीं करेंगे, स्लो चलाएंगे, सभी ट्रैफिक नियमों की पालना करें, आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद। ये देखिए, आप सभी ध्यान देंगे, ये आपके सामने जो जेब्रा क्रॉसिंग बनाई है, इसके साथ साथ ये येलो कलर की चिकचैक लाइनें हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप अपना व्हीकल धीरे स्लो चलाएंगे और साथ में यहाँ पे आप लेन चेंज नहीं कर सकते और पिक एंड ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप किसी सवारी को ना उतारे ना चाहेंगे। सामने जेब्रा क्रॉसिंग है, जब कोई भी पैदल यात्री यहाँ पे सड़क क्रॉस करता है, सबसे पहले आप फुटपाथ पे होंगे, उसके बाद आप राइट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे, राइट साइड जब 200 मीटर की दूरी पे वाहन आ रहा है, आपको 200 मीटर तक वाहन दिखाई देता है, तब आप राइट हैंड का सिग्नल देते हुए आप ध्यानपूर्वक सड़क क्रॉस करेंगे। जब आप बीच में पहुंचते डिवाइडर के ऊपर जो रिफ्यूज आइस लैंड है, वहां पे आपने लेफ्ट साइड देखना है, लेफ्ट साइड भी करीब 200 मीटर वाहन आता है, आपने लेफ्ट हैंड का इशारा करना है और जेब्रा क्रॉसिंग को यूज करते हुए सड़क क्रॉस करेंगे। यदि बीच में डिवाइडर नहीं है तो आप यहीं पे फुटपाथ से ही सड़क को देखेंगे, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड दोनों साइड देखेंगे और आप सड़क क्रॉस करेंगे। जो वाहन चालक है वो भी धीरे चलाएंगे, यदि कोई जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर पैदल यात्री है तो आप रोकेंगे, उसको रोड क्रॉस करने देंगे, क्योंकि सबसे पहला राइट पैदल यात्री का है। और यहाँ पे आप लेन चेंज नहीं करेंगे, स्लो चलाएंगे, सभी ट्रैफिक नियमों की पालना करें, आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद।